तो हाय फ्रेंड्स, क्या आपके स्मार्टफोन में भी होम स्क्रीन या फिर स्टेटस बार में व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं? तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन कर लेनी है और उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ये ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से मैनेज ऐप्स वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है या फिर आप इसे यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप को ढूँढ लेने के बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से स्टोरेज वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से आपको क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से क्लियर ऑल डाटा पे टैप करके यहाँ से ओके कर दीजिए और उसके बाद आपके व्हाट्सएप का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऑल डाटा क्लियर करने से पहले आपको एक बार अपने व्हाट्सएप का बैकअप ले लेना है, जिससे कि आप बाद में अपनी व्हाट्सएप चैट्स और फोटोज़ वीडियोज़ को दोबारा से वापस ला पाओगे। लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप का बैकअप लेना नहीं आता है तो इसके लिए हमने अलग से ये वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको बैकअप और रिस्टोर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देने के बाद आपको अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर वगैरह डाल के अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए। और यहाँ पे आपसे व्हाट्सएप जो भी परमिशन मांगता है वो सारी परमिशन आपको अलाउ कर देनी है और उसके बाद आपके सामने ये रिस्टोर वाला पेज आएगा। तो यहाँ से आपको रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी चैट्स को रिस्टोर कर लेना है और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिस्टोर नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए, जिससे कि आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी रिस्टोर हो जाएंगी। और ये सब सेटिंग्स कर लेने के बाद व्हाट्सएप के सारे नोटिफिकेशन आपकी होम स्क्रीन पर आने लग जाएंगे। तो ऐसे ही आप भी फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन में इस व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।